सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल द इनविक्टस इंजीनियर। आज हम अपनी जो हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज है उसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो है आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज हम हिमाचल प्रदेश के जितने भी मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी, कौन से रिवर के ऊपर बने हुए हैं और उनकी जो मैनेजिंग अथॉरिटी है या बोर्ड है वो सब डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर में हिमाचल प्रदेश के सभी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो है जो मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं यानी जिनकी अदर डिटेल्स भी आपको याद रखने के लिए हैं वो करेंगे। उसके बाद जो हम लिस्ट वाइज देखेंगे जितने भी बाकी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर बात करें हम हाइड्रल एनर्जी की हिमाचल प्रदेश में, तो 25.9% जो है इंडिया के जितनी टोटल आपकी पावर जनरेशन है उसका 25.9% होता है आपका हिमाचल प्रदेश में। फिर करें मेगावाट में तो 27,436 मेगावाट जो है हाइड्रो पावर जो है वो जनरेट होती है। बात करें आपके हाइड्रल प्रोजेक्ट्स की और उनकी जो मेजर रिवर बेसिन हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे। अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है हाइड्रो पावर जनरेशन का, अगर रिवर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा है आपका सतलुज रिवर का, उसके बाद आती है आपकी ब्यास, फिर चिनाब और फाइनली रावी रिवर। तो सबसे ज़्यादा जो है वो होता है आपका सतलुज रिवर पे। बात करें हम स्मॉल एंड मीडियम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं मेन, तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है आपका भूरी सिंह पावर प्रोजेक्ट। बात करें भूरी सिंह पावर प्रोजेक्ट की, ये है आपका साल स्ट्रीम के ऊपर, ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में और बना था 1910 में। ये बना था आपका राजा भूरी सिंह के समय में, यानी राजा भूरी सिंह ने बनवाया था इसको। और ये जो है आपका सबसे पहला जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का वो था आपका राजा भूरी सिंह पावर प्रोजेक्ट। बात करें सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन। आगे अगर हम बात करें आपका शानन प्रोजेक्ट जो है जोगिंदर नगर मंडी में, तो बात करें इसके पावर हाउस की, तो ये ऑथराइज हुआ था आपका 1932 में और ये पहला ऐसा आपका जो आपका पावर स्टेशन था यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था जो मेगावाट की कैपेसिटी में था। पहले जो भूरी सिंह या जितने भी थे वो सभी आपके किलोवाट में कैपेसिटी थी। अगर इसके सिचुएटेड की बात करें तो ये है आपका जोगिंदर नगर में। इसका जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, कई जगह कांगड़ा बताया गया, लेकिन जो फाइनली हम बात करें तो ये आपका मंडी में शो करता है, यानी जो ये आ गया आपका मंडी में। फिर बात करें जो कर्नल बीसी बैटी थे जो ब्रिटिश इंजीनियर थे और उनकी टीम ने इसका डिजाइन किया था, जो रूलर ऑफ जोगिंदर नगर थे उनके साथ मिलकर। ये बात करें आपका जो शानन प्रोजेक्ट है, इसके जो उस टाइम जो आपके किंग थे राजा करण सेन, और जब उस समय जो था जो पंजाब हरियाणा और हिमाचल थे ये एक साथ आते थे, तो जब इनका दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो प्रोजेक्ट जो है ये अलोकेट हो गया था आपका पंजाब को, जो आपका जो इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट है उसको ये हो गया था अलोकेट। ये बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश को दोबारा से हैंड ओवर होगा आपका 2024 में, जो आपका 99 ईयर्स का लीज है उसके बाद में। नेक्स्ट है आपका संजय भाभा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आता है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, रिवर आ गई आपकी भाभा और इसे बोला जाता है भाभा विद्युत परियोजना। फिर इसकी खासियत की बात करें तो ये जो है पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, कैपेसिटी आगे 120 मेगावाट इसकी, 3/40 मेगावाट। अगर बात करें इसकी यूनिकनेस की, तो ये पूरा पहला एशिया का ऐसा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसका जो स्विच यार्ड है वो है आपका अंडरग्राउंड। अगर मैनेजिंग बोर्ड की बात करें वो है आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट है आपका गिरिनगर हाइडल प्रोजेक्ट, इसकी बात करें तो रिवर आ गई आपकी गिरी, डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका सिरमौर, कैपेसिटी आ गई 62/30 मेगावाट। और अगर बात करें इसकी मैनेजिंग बोर्ड की तो वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट है आपका बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट, तो बिनवा है आपका बैजनाथ में, डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका कांगड़ा। एलिवेशन की बात करें 1515 मीटर और कैपेसिटी की बात करें तो 16 मेगावाट 3 यूनिट में। मैनेजमेंट बोर्ड आ गया आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट है आपका बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो अगर बात करें हम बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो ये है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये जो है ब्यास पावर हाउस का एक एक्सटेंशन है। कैपेसिटी आ गई इसकी 4 यूनिट आ गए, ईच की कैपेसिटी आपकी 16.5 मेगावाट।
बात करें, ये जो आपका बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये जो आपका शन पावर हाउस है आपका जोगिंदर नगर, उसी से जो है पानी लेता है और जनरेट करता है 145 के आसपास मेगावाट पर ईयर। फिर बात करें मैनेजमेंट बोर्ड, वो आ गया आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट है आपका रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट। बात करें रोंगटोंग की, ये पड़ता है आपका लाहौल स्पीति में। ये है आपका रोंगटोंग नाले के ऊपर, ट्रिब्यूटरी जो है स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरी है आपकी रोंगटोंग नाला। बात करें जो रोंगटोंग है, ये 2 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। फिर बात करें, इससे कई बार क्वेश्चन आ गया है, आ चुका है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में, कि ये जो है दुनिया का जो है सबसे ऊंचा हाइड्रो प्रोजेक्ट भी माना जाता है इसको। इसके अलावा ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जो बना था आपका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया, यानी जो अपलिफ्टमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उनको अपलिफ्टमेंट के लिए बना था आपका रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट अगर मेजर की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा आता है आपका भाखड़ा नंगल डैम। रिवर आ गई आपकी सतलुज रिवर, ये है आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे। बात करें, ये 1948 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, कंप्लीट हुआ था 1963 में। कैपेसिटी आ गई 1325 मेगावाट, और ये जो है दुनिया के सबसे बड़े हाईएस्ट ग्रेविटी डैम पे। अगर बात करें एशिया में, तो एशिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। बात करें, ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर, यानी सबसे ज़्यादा जो है रिजर्वायर डैम की कैपेसिटी है। अगर बात करें फर्स्ट, तो वो है आपका इंदिरा सागर डैम जो है आपका मध्य प्रदेश में। इसमें आगे देखें तो इसमें एक इसका एक नेक्स्ट एक्सटेंशन है आपका नंगल डैम। तो डाउनस्ट्रीम भाखड़ा डैम के डाउनस्ट्रीम में बना है आपका भाखड़ा, सॉरी नंगल डैम, और इन दोनों को एक साथ बोला जाता है भाखड़ा नंगल डैम। और ये जो भाखड़ा डैम है, इसको जो है आपका न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो थे पहले प्राइम मिनिस्टर भारत के। ये बात करें इसकी जो पावर जनरेशन की, तो ये जो है भाखड़ा जो पावर हाउस है, ये आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात और हिमाचल प्रदेश को सप्लाई करता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा जो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और चंडीगढ़ को भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। नेक्स्ट है आपका कोल डैम प्रोजेक्ट। अगर बात करें कोल डैम की, तो रिवर आ गई आपकी सतलुज, डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका बिलासपुर। और इसकी अगर कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी, तो वो है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो बात करें इसका मेन पर्पस, तो इसका पर्पस था कि आप इनको जो है 800 मेगावाट के करीब जो है कैपेसिटी जो है यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है उस पावर हाउस से। ये बात करें इसके फाउंडेशन स्टोन की, यानी किसने शुरू करवाया था, तो वो करवाया था जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने करवाया था 5 जून 2000 को। ये बात करें आपका नेक्स्ट है आपका सैंज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो अगर बात करें सैंज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, तो ये आता है HPPCL के अंदर, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर। ये बना था आपका अगस्त 2010 को, इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। ये आपका है सैंज रिवर के ऊपर, जो ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्यास की। बात करें लोकेशन की, तो ये है आपका सियुंड में जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कैपेसिटी आ गई इसकी 100 मेगावाट। अगर बात करें तो जब ये कंप्लीशन के बाद इसको जो है लिंक कर दिया जाएगा पार्वती 2 और लार्जी प्रोजेक्ट के साथ, तो इसकी कैपेसिटी जो है 2070 मेगावाट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका पार्वती डैम। अगर बात करें पार्वती डैम की, तो ये भी ये है आपका पार्वती रिवर के ऊपर, जो ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्यास में। अगर बात करें लोकेशन की, ये आ गया आपका कुल्लू में, और 3 फेजेज में आपका पार्वती 1, पार्वती 2, पार्वती 3। अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो ये है आपका NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसके कंप्लीशन पे जो है ये जो है 2100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, यानी जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डैम है करेंटली में है आपका पार्वती डैम। इसके जो सेकेंड और थर्ड फेज है वो कंप्लीशन में है, फर्स्ट फेज जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो जब तीनों कंप्लीशन के बाद जो है सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी होगी आपकी पार्वती डैम की। ये बात करें जो मेजर जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं जो प्राइवेट सेक्टर के पास हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका बसपा, जो सेकंड स्टेज है ये है आपका किन्नौर में। बात करें 300 मेगावाट कैपेसिटी है, और ये है JSW के अंदर, यानी जय प्रकाश इंडस्ट्रीज जो है, JSW एनर्जी। ये बात करें आपका उल का जो स्टेज 3 है,
ये आपका जोगिंदर नगर कांगड़ा में बात करें तो 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और इसको जो ओनर है वो आपके बलरपुर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट बात करें आपकी जो हिब्रा प्रोजेक्ट है ये आपका चंबा में, और जो धमवारी सुंदा प्रोजेक्ट है ये आपका शिमला में। बात करें हिब्रा प्रोजेक्ट की, 260 मेगावाट कैपेसिटी है और इसको ओन करता है आपका हाजरा इंजीनियरिंग। और अगर बात करें धमवारी की तो यह है 70 मेगावाट और ये आता है शिमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के अंडर। बात करें आपका करछम वांग टू, ये है आपका किन्नौर में 1000 मेगावाट, ये आपका जयप्रकाश इंडस्ट्रीज के अंडर। नेक्स्ट आपका न्यूगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपका कांगड़ा में 15 मेगावाट की कैपेसिटी और इसको ऑन करते हैं आपके ओम पावर कॉरपोरेशन। बात करें आपका एलएन दुहांगन जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये आपका कुल्लू में 192 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और इसको ऑन करते हैं आपकी राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग कॉरपोरेशन एंड मिल्स। बात करें आपके मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की स्टेज 2, ये है आपका कुल्लू में 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, इसको जो है RSWM जो है वो इसको ऑन करती है और ये बना था 1993 में। अगर इसके बाद जितने भी आपके मेजर प्रोजेक्ट्स हमने कवर कर लिए, इसके अलावा जितने भी आपके अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं और उनके कैपेसिटी, डिस्ट्रिक्ट रिवर्स और उनकी मैनेजिंग अथॉरिटी को हम सीरियल वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले आगे आपका नाथपा झाकड़ी, कैपेसिटी आगे 1500 मेगावाट, डिस्ट्रिक्ट आगे आपका किन्नौर, रिवर आगे सतलुज और मैनेजिंग अथॉरिटी आगे आपकी SJVNL लिमिटेड। अगर बात करें सेकंड की, वो आगे आपका भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, कैपेसिटी आगे 1325 मेगावाट, डिस्ट्रिक्ट आ गया बिलासपुर, रिवर आ गई आपकी सतलुज और ये है आपका BBMB भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर। फिर बात करें SJVN, ये आपका सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। फिर बात करें आपकी करछम वांग टू की प्रोजेक्ट की, तो यह है 1000 मेगावाट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट सतलुज और ये है अंडर JP ग्रुप के अंदर। बात करें आपके देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, 990 मेगावाट कैपेसिटी आ गई, डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका मंडी, रिवर आ गया आपकी ब्यास और मैनेजमेंट बोर्ड आ गया आपका BBMB भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड। नेक्स्ट है आपका जांगी तोपन प्रोजेक्ट, 960 मेगावाट कैपेसिटी, डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका किन्नौर, रिवर आ गई सतलुज और इसका जो मैनेजिंग अथॉरिटी है वो भी आपकी BBMB है। नेक्स्ट बात करें आपका पार्वती के जो 3 प्रोजेक्ट है उसमें जो सेकेंड प्रोजेक्ट है वो है आपका 800 मेगावाट का, डिस्ट्रिक्ट आ गया कुल्लू, रिवर आ गई पार्वती और ये है अंडर NHPC के। तो पार्वती के तीनों प्रोजेक्ट जो है आपके NHPC के अंडर है। नेक्स्ट है आपका कोल डैम प्रोजेक्ट, 800 मेगावाट कैपेसिटी आ गई, मंडी और बिलासपुर में पड़ता है ये आपका, रिवर की बात करें सतलुज और ये है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंडर। चमेरा 1 प्रोजेक्ट की बात करें, 540 मेगावाट कैपेसिटी, चंबा डिस्ट्रिक्ट आ गया, रिवर आ गई रावी और ये है आपका NHPC के अंडर। बात करें आपका पार्वती का जो थर्ड फेज है वो 520 मेगावाट, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, रिवर पार्वती, ये भी NHPC के अंडर है। नेक्स्ट बात करें आपका यमुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आ गया आपका 474 मेगावाट, सिरमौर में और थोड़ा एरिया इसका देहरादून UK में पड़ता है, रिवर आगे यमुना और ये है आपका UJVNL के अंदर, यानी उत्तराखंड जो जल विद्युत निगम है उसके अंडर आता है। नेक्स्ट बात करें आपका रामपुर प्रोजेक्ट, 412 मेगावाट, डिस्ट्रिक्ट आगे आपका शिमला, रिवर आगे सतलुज, ये है आपका SJVNL के अंडर। नेक्स्ट है आपका सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये है आपका 400 मेगावाट का, लाहौल और स्पीति में पड़ता है, रिवर आगे आपकी चिनाब और जो मैनेजिंग अथॉरिटी है वो आ गई आपकी हिंदुस्तान पावर। नेक्स्ट है आपका पोंग डैम प्रोजेक्ट, कैपेसिटी आ गई 1325 मेगावाट, डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका कांगड़ा, रिवर आ गई ब्यास, मैनेजिंग अथॉरिटी आ गई आपकी BBMB। बात करें चमेरा 2 प्रोजेक्ट की, तो ये है आपका 300 मेगावाट का, चंबा डिस्ट्रिक्ट, रावी नदी और आपका आ गया NHPC के अंडर। नेक्स्ट है आपका जिस्पा प्रोजेक्ट, जिस्पा आपका 300 मेगावाट, डिस्ट्रिक्ट आ गया लाहौल स्पीति, रिवर आ गई आपकी चिनाब और मैनेजिंग अथॉरिटी है की HPPCL हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका यांगथेंग खैब प्रोजेक्ट, ये है आपका किन्नौर में 261 मेगावाट कैपेसिटी, रिवर आ गई आपकी स्पीति और मैनेजमेंट बोर्ड आ गया आपका HPPCL। नेक्स्ट है आपका कुथेड़ प्रोजेक्ट, ये आ गया 260 मेगावाट का,
चंबा डिस्ट्रिक्ट में रिवर आ गई आपकी रावी, और ये आपका जीएसडब्ल्यू एनर्जी के अंडर आता है। नेक्स्ट है आपका चमेरा थ्री प्रोजेक्ट, जो है आपका 231 मेगावाट का, डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका चंबा, रिवर आ गई आपकी रावी, और मैनेजमेंट अथॉरिटी आ गई आपकी एनएचपीसी। नेक्स्ट है आपका एलेन दुहांगन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आ गया आपका 192 मेगावाट का, डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका कुल्लू, वो है आपका रिवर आ गई आपकी एलेन और दुहांग रिवर, और ये जो आपका है एडी हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड के अंडर है। बात करें आपके बैरा स्यूल प्रोजेक्ट की, तो ये है 180 मेगावाट का, डिस्ट्रिक्ट आ गया चंबा, बेरा रिवर के ऊपर एनएचपीसी जो ट्रिब्यूटरी है आपकी रावी रिवर की। आगे बात करें आपका बजोली होली प्रोजेक्ट, ये आ गया आपका 180 मेगावाट का, ये भी आपका चंबा में ही है, रिवर आ गई रावी, और अथॉरिटी आ गई आपकी जीएमआर, जो जीएमआर जो कंस्ट्रक्शन है इनके अंडर है। नेक्स्ट बात करें आपके लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, ये 126 मेगावाट, डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका कुल्लू, रिवर आ गई ब्यास, मैनेजिंग अथॉरिटी आ गई आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट है आपका संजय विद्युत, यानी जो संजय भाभा परियोजना है, यह है आपकी 120 मेगावाट, डिस्ट्रिक्ट आ गया किन्नौर, रिवर आ गई भाभा, और यह है आपका एचपीएससी बी के अंडर। नेक्स्ट है आपका शानन प्रोजेक्ट, यह है आपका 110 मेगावाट, डिस्ट्रिक्ट आ गया मंडी, रिवर आ गई उल, मैनेजिंग अथॉरिटी आ गई इसकी पीएसपीसीएल। ये बात करें हम अगर सोरंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, यह है आपका 100 मेगावाट, डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका कुल्लू, रिवर आ गया आपकी सोरंग, और ये जो अथॉरिटी है वो आपकी हिमाचल सोरंग पावर। बात करें आपके उल थ्री प्रोजेक्ट की, 99 मेगावाट का, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और ये जो रिवर है वो आपकी राणा नेरी खड। ये बात करें आपके मैनेजमेंट अथॉरिटी की, वो है आपका ब्यास वैली पावर। नेक्स्ट अगर बात करें आपके मलाना प्रोजेक्ट की, तो ये आता है आपका कुल्लू में, 86 मेगावाट का, रिवर आ गई मलाना रिवर, और मलाना जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके अंडर आता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपका किशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये है आपका 65 मेगावाट का, डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका किन्नौर, सतलुज आ गई रिवर, और है आपका हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर। बात करें आपका गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये है आपकी 60 मेगावाट कैपेसिटी, डिस्ट्रिक्ट आ गया सिरमौर, रिवर आ गई गिरी, और मैनेजिंग अथॉरिटी आ गई हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये बात करें आपके बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो ये है आपका 60 मेगावाट का, मंडी डिस्ट्रिक्ट, ब्यास रिवर, ये भी आपका एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर आता है। आगे बात करें आपका जो तांगनू रोमाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये है आपका 44 मेगावाट का, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आया आपका पब्बर रिवर, और जो इसकी मैनेजिंग अथॉरिटी वो आपकी तांगनू रोमाई पावर। इसी के साथ हमारा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वाला चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। मैंने इस चैप्टर में कोशिश की है कि जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन सभी को कवर करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच।